subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट। जैसा कि आपके इल्म में है, आजकल सारी दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से सारी दुनिया की जो मशत है वो तबाह होकर रह गई है, और उसकी वजह से उसका असर जो है पाकिस्तान पर भी पड़ा है। और आहिस्ता आहिस्ता जो लॉकडाउन था उसको कम किया गया है, और कम होने की वजह से कारोबार भी थोड़ा चलना शुरू हुआ है। और पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है तकरीबन, और कारोबार शुरू करने की इजाज़त दे दी गई। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो टोटल दुनिया के अफेक्टेड लोग हैं वो तकरीबन 49,07,387 हैं, और 3,20,000 के करीब लोग जो हैं वो मर गए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में तकरीबन 44,672 अफेक्टेड हैं, और 958 की जो है वो डेथ हुई है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जब पीटीआई की हुकूमत आई है उस वक़्त बहुत ही ख़राब थी, और इनको तबाह हाल मईशत मिली। उसके ऊपर हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत ज़रूर हमारे जो गेस्ट हैं उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम पेश आए हैं उससे जो हमारी इकानमी है और नोस डाइव कर चुकी है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से सारा कारोबार ठप है। ना इम्पोर्ट हो रही है ज़्यादा, ना एक्सपोर्ट हो रही है, ना कारखाने चल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत स्मॉल स्केल पर हो रहा है। अब 10 जून को हुकूमत ने बजट अनाउंस करना है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बजट जो है ये बड़ा टफ होगा। जो नेगोशिएशन हुई हैं पाकिस्तान की आईएम से, तकरीबन $5 ट्रिलियन तक उन्होंने कहा है कि आप करेंगे, और लेकिन पाकिस्तान ने 7 से 9 ट्रिलियन का जो बजट है वो एक्सपेक्टेड है। अब देखना है कि शॉर्टफॉल जो है वो कितना होता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा शॉर्टफॉल जो होगा वो तकरीबन 10% होगा। क्योंकि ये मामला सारा इकॉनमी का है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई एम नॉट एक्सपर्ट। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम जो उभरते हुए सवालात हैं जिसका कि इकॉनमी से डायरेक्ट इम्पेक्ट होगा आने वाले बजट में, और मौजूदा हालात में जो हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन का गरीबों के लिए पैकेज अनाउंस किया है, सर्कुलर डेट के अलहदा मामला हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी $18.74 बिलियन है, इन्फ्लेशन 11.5% तो ऑफिशियल है लेकिन ये ज़्यादा है, एक्सपोर्ट $18.4 बिलियन है, और इम्पोर्ट जो है वो $38 बिलियन है, फॉरेन जो डेट्स हैं वो $109 के करीब हैं, और डोमेस्टिक डेट जो हैं वो 22,937 रुपीस हैं। तो PCI जो है वो $1561 है, और ग्रोथ रेट जो है -0.38 है। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, और आने वाले बजट पे अवाम की हालत क्या होगी उस हवाले से हमने आज दावत दी है जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को। जानी पहचानी शख्सियत हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और नॉन फिगर हैं नेशनली और इंटरनेशनली। ये चेयरमैन हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त मुल्क की जो इकॉनमी की कंडीशन है वो बहुत ही डिप्लीटेड है, और हम कर्ज़ ले लेकर नोट छाप छाप कर जो गुजारा है वो चला रहे हैं, और ऊपर से अब बजट आने वाला है,
तो ये बजट जो है ये एक तूफानी बजट होगा, इससे आप नहीं समझते कि आवाम की जो कमर पहले से झुकी हुई है ये मज़ीद झुक जाएगी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो अपने इब्तदाई कलमात किए हैं उसमें मईशत की सूरत हाल को बड़ी खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन कर दिया है और उसी से ये रहनुमाई मिलती है कि हुकूमत अगला बजट क्या लाना चाहती है। मगर अगर आप ये इजाज़त दें तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये बजट एक ऐसे मौके पर आ रहा है कि जब फरवरी हमारा 2020 था, यानी कोरोना वायरस से कुछ दिन पहले, तो जो फरवरी 2020 के हमारे आदाद व शुमार हैं अगर उसमें आप ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और रेमिटेंसेस को निकाल दें तो बेशतर दूसरे जो इशारे हैं वो उससे ख़राब थे जो जून 2018 को विरसे में मिले थे। यानी उस वक्त ग्रोथ रेट जितनी 5.5 था वो अब 3.3 पर आ गया था लास्ट ईयर, इस वक्त 2.4 पर जा रहे थे। कर्ज़ों का भी आपने खुद बताया कि हैरत अंगेज तेज़ रफ्तारी से बढ़े, बचतों की शरह गिर गई, टैक्सों की वसूली गिर गई और बजट खसारा बढ़ गया। ये सब क्या था? फरवरी 2020 जब कोरोना नहीं आया था, उसके बाद तो जाहिर है कि सारी दुनिया की मईशतों को झटका लगा, हमारी मईशत को भी झटका लगा और कोई ताज्जुब की बात नहीं। और हुकूमत ने एक 1200 अरब रुपए का एक पैकेज भी दिया, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो रिच एंड पावरफुल को चला गया, आवाम को इतना बहुत थोड़ा सा गया उसका छोटा हिस्सा, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है। एक और भी मैं वजाहत कर दूँ कि ये 1200 अरब का पैकेज नहीं था, इसलिए कि जो आप कर्ज़े बैंक दे रहे हैं वो तो यूजुअल चीज़ है, तो उसको आप इसमें क्यों ला रहे हैं? या जो पहले इनकम टैक्स रिफंड थे, रिफंड देने थे एक्सपोर्ट के, वो तो आपकी पहले से लायबिलिटी थी। तो बुनियादी चीज़ ये है कि ये कोरोनाई बजट है, होगा, लेकिन इसमें अब हमें ये समझना है कि पहले तो जून से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा लोगों की बेरोज़गार हो गए, तकालीफ बढ़ गई, मैं ये चाहता हूँ कि अगर 300-400 अरब रुपये के हकूमत स्टेट बैंक नोट छाप लें कोई तीन, और ये पैसे सिर्फ उन लोगों को दिए जाएं जो बेरोज़गार हो गए, जो गरीब हो गए, जिनके घर में राशन नहीं है, जो डेली वेजेस इफेक्ट हुए हैं, उनको ये आप तकसीम कर दें शफाफ तरीके से, ताकि लोगों, हमारा मकसद पहला जिंदगियां बचाएं, जिंदगियां बचाएं, ये पहला। डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपसे साथ ही छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि आपने कहा कि ये 300 अरब के नोट छाप लें और ये गरीबों में बाँट दें, असल में जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रांसपेरेंसी का है। आपने देखा होगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ग्रेड 19-20 के अफसर और उनकी बेगमात पैसे वसूल करती रहीं, और इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि ये अभी जो 12,000 पे लोगों में बांटे गए हैं इसके ऊपर भी चैमगोइयाँ हो रही है। इसी तरीके से जो राशन बांटा गया है उसके हवाले से भी लोगों को शिकायत है, सोशल मीडिया पर लोग अपलोड कर रहे हैं छोटे छोटे क्लिप जिनको ना पैसे मिले ना कुछ मिले हैं, तो टाइगर फोर्स भी वजूद में आ चुकी है। तो मतलब यह है कि बेशक आई एग्री विद यू के नोट छाप के गरीबों को देना चाहिए, लेकिन बात यह है कि अगर ये पैसा जो हम छाप रहे हैं या पैसा हम जो देना चाहते हैं अगर वो सही मायनों में किसी गरीब के पास नहीं पहुँचता तो दिस एक्सरसाइज इज इन फ्यूटाइल। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस पहले मरहले में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो गबन हुआ है, जिसे आप जो कह रहे हैं ये गबन था, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए जिन्होंने मंजूर किया और जिन्होंने लिया। तो ये मेरे ख्याल से अभी जो रेपुटेशन है इस वक्त हमारा जो एहसास प्रोग्राम में जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं गालिबन उनकी रेपुटेशन उनसे बेहतर है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में किए थे। तो अगर उनको आप सज़ा दें तो इनके लिए भी जो है मिसाल होगी, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बेहतरीन लोग, ईमानदार लोग लाएं जिनकी कमी नहीं है। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर तो अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है। मैं आपके जो एप्रिहेंशन है उससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन हमें इसका हल ढूंढना होगा। उसका तरीका वो ये जो इस्लाम ने बताया, सज़ा और जज़ा, पहले वालों को सज़ा दें और इनको इनक्रेज करें कि अगर ईमानदारी से करें, और अगर कोई पकड़ा जाता है आज भी तो फिर उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो करें। नोट में छापने का इसलिए कह रहा हूँ, हमारी मकसद है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएँ, और जून तक आए में भी नहीं बोलेगा अभी, तो आप फायदा उठाएं, गरीब की हालत ठीक कर लें। तो लेकिन आप नहीं समझते कि जब आप नोट छापेंगे 300 बिलियन तो उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी? जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो महंगाई और नहीं बढ़ेगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर तूफान आएगा, एक दूसरे को लोग काटना शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे एक अर्ज कर दूँ, आप मेरी मुझ पर ट्रस्ट कर लें, अगले 1-1.5 साल महंगाई का मसला पाकिस्तान में आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने एक फजल किया है कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें $70 बैरल थी वो 25-30 पर आ गई,
इतनी ज़बरदस्त कमी हुई है आलमी मंडी में और हमने पूरा फ़ायदा आवाम को नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद जो कमी हुई है उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि तेल की कमी का, दरअसल तेल की कमी का आवाम को तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता ही नहीं है। अभी आप देखें यहाँ से PIA का किराया इस्लामाबाद का कितना हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया है। मैं आपसे अर्ज करूँ, देखिए बात ये थी कि आपने जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिराई तो ट्रांसपोर्ट के किराए आगे, रेल के किराए आप देखेंगे, दालें सब्जियां गोश्त ये सारी चीज़ें नीचे जाएंगी। एक और बड़ी चीज़ हुई है जो मैं आपको बता दूँ, चूँकि आपका सवाल बड़ा आम है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट था फरवरी में वो 13.25 था, ये अभी 9 है, 8% पर आ गया ना अभी 8% और कम किया है, इसकी वजह से कर्जों पर सूद जो है कम होगा और जो है आप इन दो चीज़ों से महंगाई में कमी आनी है तो अगले 1-1.5 साल तक पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से जो है महंगाई का मसला नहीं होगा। गुरबत का हो सकता है, बेरोजगारी का हो सकता है, एहसास महरूमी का हो सकता है, मगर फिलहाल हमारे मुल्क में इन हालात की वजह से मेरे हिसाब से, अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, महंगाई नीचे जाएगी। अब अगर लोग मुनाफाखोरी करें, ज़खीरा अंदोजी करें, स्मगलिंग करें, ये तो फिर हुकूमत का काम है। आम हालात में हुकूमत की भी तवक्को है, स्टेट बैंक की भी है, हमारी भी है कि तमाम तर करप्शन के बावजूद पाकिस्तान में अल्लाह चाहेगा तो महंगाई कम होगी। ये मसला फिलहाल नहीं आएगा, ये फिर 2022 में जो है इसका मसला पैदा होगा। डॉक्टर साहब आपकी ये बड़ी विशफुल थिंकिंग है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त जो मार्केट में चीज़ों की दाम है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये तो हाउस वाइफ से अगर आप किसी रमज़ान गुजरने दीजिए, रमज़ान में जो लोग रोजे रखते हैं उनकी कंजम्पशन बहुत बढ़ा देते हैं। आप देखिए सर, तजर्बा तो यही कहता है कि जब एक दफ़ा सर डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश है लिख लें और ईद के बाद आप फिर हम किसी मौके पर डिस्कस करेंगे कि आप देखेंगे जाएगी, अब इसको कोई रोक नहीं सकता, महंगाई ने नीचे जाना है। जो अभी हमारी जनवरी में जो थी 14%, ये अब 9 पे रहनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको चले अभी जरा वक्फा हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का और उसके बाद फिर हम आएंगे और आपसे सवाल करेंगे कि ये इकॉनमी जो है वो पहले से तो तबाह हाल थी और कोरोना से जैसे आपने खुद कहा कि इसमें और प्रॉब्लम हो गए हैं, तो अब ये जो मौजूदा बजट है जिसका कुछ शोर मचा हुआ है, जिसमें लोगों को तनख्वाहें भी बढ़ानी हैं, पेंशन भी बढ़ानी है और नई जॉब्स भी क्रिएट करनी है, तो इसको हम देखेंगे कि अवाम को इसका कोई फ़ायदा पहुंच सकता है कि नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा। सो लेट्स हैव ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत एक सवाल मैंने छोड़ा था डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी जवाब दीजिए आप। देखिए मोहतरम बात यह है कि मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि 1980 से 2018 तक पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था औसत वो 4.75 था, जो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम है। इस हुकूमत के दौर में आके ये 3.3 आ गया था पिछले साल, और इस साल कोरोना से पहले जो प्रोजेक्शन थी वो 2.4 थी, और जो आलमी बैंक के जुमले थे वो मैं आपको बता दूं, वो ये थे कि पाकिस्तान की शरह नमू 2020 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव से कम रहेगी, और हम कहते हैं साढ़ा कोई जोड़ नहीं आएगा। अरे भाई यहाँ पर CPEC यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, और मालदीव, श्रीलंका, तो आखिर सोचना तो चाहिए। और आप दावे कर रहे हैं कि जी हमारी मईशत संभल गई, मेरा कहना ये सच का सामना करें, किसी दिन बैठ जाएं कि जो कुछ होना था हो गया, आज मैंने वजू कर लिया है, आज मैं इंसाफ से इस मुल्क को चलाऊंगा, अगर मैंने कोई अकौम से वायदा किया था तो उसको 50% तो पूरा करूंगा। इस हकूमत ने अपने जो आम वायदे थे इंतखाबात से कुछ पहले और इंतखाबात के बाद जो किए थे इलेक्शन जीतने के बाद, उनमें से आम से 100% उल्टा किया है। सबसे ज़्यादा जोर था आपने देखा तालीम और सेहत पर। अब मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हमारे अस्पतालों की हालत ये है कि कोरोना के मरीज आए तो पुराने मरीजों को उन्होंने कहा जी अब आप घर जाओ, यहाँ जगह नहीं है। 2,30,00,000 यानी 23,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो हमने इस साल इमरान खान साहब ने, चंबा सूबों ने अपने मंसूबे जो तय था उससे 1,600 अरब रुपया तालीम और सेहत में कटौती कर दी कोरोना से पहले।
अब मुझे बताइए कि 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अस्पतालों की हालत ख़राब है, फिर आपने तामीरी कहा जी लोगों को मकान बनाओगे और काला धन लगा दो। अरे खुदा के लिए आपको अगर मकान मत बनाओ, पहले आप दो दो कमरे के स्कूल बनाओ। हम जब पाकिस्तान आए थे हमने देखा दो छोटे छोटे स्कूल होते थे और छोटे छोटे डिस्पेंसरियाँ होती थी। अब हर आदमी तो जिना सिविल नहीं जाएगा ना, तो आप शहरों में दूसरी जगह पर दो कमरों के स्कूल बनाइए। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी को खोलना ही था तो आप स्कूल बनाइए, 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप बनाइए जो है डिस्पेंसरी, हमारा एक मेडिकल ऑफिसर बैठा हो, एक खातून मेडिकल ऑफिसर बैठी हो, एक छोटा नर्स, एक कंपाउंडर, वो करेंगे सारा काम। डॉक्टर साहब बात यह है कि ये कोशिश तो कर रहे हैं ना कि हालात को संभालें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब IMF की डिक्टेशन आप लेंगे तो आपके तो हाथ बंद जाते हैं ना। आप इजाज़त दे दें, मेहरबानी करें मेरे हाल पर, मैं आपको हल्फिया कहने के लिए तैयार हूँ कि ये झूठ है। मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ कोर्ट पर, और मैं मिनिस्टर के सामने कहा मुझे मेरे सामने बात कर ले, ये सर कौम को बेवकूफ़ बना रहे। IMF आपसे क्या कहता है मैं बता दूँ, IMF ये कहता है कि आपका जो बजट खसारा है इनकम का और एक्सपेंडिचर का, उसका फ़र्क को कम करें, सिर्फ इतना कहते हैं। तो ये IMF से कहते हैं जी बात आपकी सही है, मगर हम तो हर आदमी पे तो टैक्स नहीं लगा सकते ना, जो ताकतवर लोग हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये नहीं कहते वो कि यूटिलिटीज के आप और रेट बढ़ाएं? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, अखबारों में जो रिपोर्टिंग होती है सब गलत होती है। नहीं, वो मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरे, मैंने उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो देखे हैं, उनकी तकरीरें देखी हैं, उनके साथ मैं इंटरनेशनल मीडिया पर वॉइस अमेरिका पर बैठा हूँ, BBC पर बैठा हूँ। वो ये कहते हैं कि आप बजट खसारे को कम करें, उसका तरीका ये है कि इनकम आप अपनी बढ़ा लें। तो ये कहते हैं देखिए इनकम हम हर आदमी पर टैक्स नहीं लगाएंगे, एग्रीकल्चर पर नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टी पर नहीं लगाएंगे, हम टैक्स चौकी रोड़ना नहीं चाहते, हम एमनेस्टी भी देंगे। तो फिर वो कहते हैं खर्चा कैसे कम होगा, बजट खसारा कैसे कम होगा, कह जी बिजली के नर्ख बढ़ा देते, कह जी फिर वो बजट खसारा तो वैसे भी नहीं कम हो सकता। अगर आप इन लोगों की तनख्वाहें देखें जो कॉरपोरेशन में बैठे हुए हैं, मिलियंस में तनख्वाहें हैं, काम धंधा कोई नहीं है, काम कोई नहीं है। नहीं बजट खसारा फिर भी देखिए, इमरान खान साहब को अगर आपको याद हो उन्होंने ये कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अब कोरोना से पहले तो इस साल जो हमारा टारगेट था जो किया कितना वसूल होगा वो था 3900 अरब रुपए, 8,000 का तो उन्होंने वायदा किया था कोरोना से पहले। अब मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ये खेल कुछ और है, मैं आपको बता दूँ ये सूबे भी टैक्स नहीं लगा रहे, वफाक भी नहीं लगा रहा और एमनेस्टी भी दे रहे हैं, तो टैक्स कहाँ से आएगा। हुआ खेल इस वक्त ये हो रहा है कि IMF को एक लेटर लिखा गया था पिछली हुकूमत के दौर में कि हम ज़रात पर टैक्स नहीं लगा सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। IMF वालों ने ये लेटर रिलीज़ कर दिया, तो मैंने तो इनके साथ बात की है ना, वो ये कहते हैं भाई हम तो, अगर आप ये कहते हैं आवाम से हम बिजली की दर बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट मैनेज आवर ओन अफेयर्स, और दूसरी बात ये है कि अगर हमें अपने मुल्क के अंदर जो टैक्सेबल लोग हैं और अगर हम उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते तो फिर मतलब ये है कि देन दिस इज ऑल कोलैप्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फेल्ड स्टेट। नहीं, मैं आपसे पहले एक बात बता दूं, हिलेरी क्लिंटन ने ये कहा कि पाकिस्तान आके कहा कि हमारे टैक्स पहने वाले एतराज़ करते हैं कि जो मुल्क अपने यहाँ टैक्स चोरी करा रहा है उसको क्यों इमदाद दे रहे हैं। तो फिर मैंने उसको जवाब लिखा था कि जनाब हमारे लोग भी तो एतराज़ करते हैं कि उन लोगों के लिए वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं जो हमारे ऊपर ड्रोन अटैक करते हैं। बात यह है कि ये जो आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाना चाह रहे, अब मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, कानून ये बना था अगस्त में, पिछली बात को मत छोड़ दें, कानून अगस्त में जुलाई में ये तय था कि जो एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जिनकी तफसीलात एसेट्स नाजायज़ की हकूमत के पास हैं, जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, यानी प्रॉपर्टी हैं, गाड़ियां हैं, बैंक डिपॉजिट है, सब हकूमत के पास पड़े हैं, उसका कानून ये था वो हम जब्त कर लेंगे। आपने जो आपने अभी कहा आपको लेटर लिखना है जो है कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑक्शन करो, इसको पैसा दे दो, ये बैंक से कहें कि इस आदमी ने 1 करोड़ रुपये का डिपॉजिट है इसके पास, इसने दिखाया 10,000, बाकी पर टैक्स काट लें। तो मैंने एक फिगर निकाल के दी कि 900 अरब रुपया उस कानून के तहत मिल सकता था अगस्त से अब तक अगर हुकूमत चाहती, कानून मौजूद था, लेकिन उन्होंने उन 900 अरब को नहीं लेना चाहते, ताकतवर तबकों से पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, GST बढ़ाया। हमारे यहाँ ये है कि कई सौ रुपया अरब रुपये हर साल अमीर से गरीब की तरफ मुंतकिल होता है हुकूमत की पॉलिसियों का, यह है इंटेलेक्चुअल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन। एक और मैं फिगर दूँ तो लोगों की नींद नहीं अगर उठती तो उनकी मोहब्बत वतनी पर शक है, पाकिस्तान में जो दाखिली बचतें थीं वो थी 18% ऑफ GDP का 2002 में, और कायदे आज़म कहते थे कि मुसलमानों को चाहिए बचत करें, तो 18% GDP का था 2002 में, आज 4.6 है। इसका मतलब ये इस साल हमने मुल्की बचतों में 5,500 अरब रुपया कम लिया है,
5,500 अरब रुपये ऑफिशियल फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। अब सवाल ये है, वो फिगर किसी को नजर नहीं आती, टैक्सों में 4,000 अरब रुपए इकट्ठे नहीं कर रहे वो नहीं नजर आती, 900 रुपए चोरी का पैसा नहीं ले रहे जो प्रॉपर्टी एसेट्स मुल्क के अंदर मौजूद है, और आप कहते हैं हमारी मजबूरी है। नहीं, ये आप सोचे ना, जो मैं फिगर दे रहा हूँ, 900 अरब नहीं लिया, कानून था कि भाई ये प्रॉपर्टी थी, उसने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, 14 टैक्स एमनेस्टी आई है दुनिया में, किसी मुल्क में इतनी नहीं आई। आप उसके बाद भी उसको कहते हैं कि जी आप कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाए हम नहीं पूछेंगे। आप अपने खुदकशियां कर रहे हैं ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए। आपने जो बात की थी सोने पे तोलना कि हम अपना निज़ाम, ये निज़ामी करप्ट निज़ाम है, ये निज़ामी फ्यूडल का निज़ाम है, ये निज़ाम इख्तदार को तूल देने का है। ये चल क्यों रहा है कि अभी अमरीका को हमारी ज़रूरत है इस खत्ते में, आपको पता है, मुझे आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, जब तक उनको हमारी ज़रूरत है वो पैसे दे के हमको, हमें सांस को जिंदा रखेंगे, उसके बाद फिर देखें अल्लाह ताला क्या करता है। अभी तो एक और ख़तरा आ गया है, मैं आपको बता दूं, यूएई और सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आती हैं हर साल। अब हमने उसको कहा था कि इसको आप ले जाएं इन्वेस्टमेंट में, वो नहीं ले जाते क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं होती, वहाँ पूरा कर देते हैं। अब एक तो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, एक और ख़तरनाक बात हो गई जो लोगों को नहीं पता, बिल्कुल वापस आ रहे हैं जी। एक और ब्रेक कर रहा हूँ मैं आपके पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, वो ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा कि हम यूएई को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में। बोलिए, अगर सऊदी यूएई को टेरर फाइनेंसिंग में और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में 1 साल के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा तो जो लोग हमारी तरफ हो गया, आपके रेमिटेंस को क्या होगा, हमें परवाह ही नहीं है, अपनी तरंग में लगे, तो चीनी का केस दबा दो, आप इसका दबा दो। अरे भाई, ये क्लाउड्स जो आ रहे हैं, काले बादल जो आ रहे हैं, उसको सोचने का किसी के पास टाइम नहीं है, वो चोर है, उसको जेल भेज दो, उसको नैब को भेज दो, ये नहीं चलेगा भाई। इसको देखें, ये यूएई क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान के साथ हमारा क्या ताल्लुकात है, भारत हमारे खिलाफ क्या खेल कर रहा है। ये तो शुक्र करें कि चाइना को तैयार हो गया भाषा के लिए, पिछले जो तो ये आपकी गाड़ी चली है, मतलब ये है कि वी आर लैकिंग इन आवर विजन, बिल्कुल हमें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और मैं डॉक्टर साहब आपसे एक क्लेरिफिकेशन मांगना चाह रहा हूँ। आपने कहा तकरीबन 20 लाख हैं टैक्स पेयर्स, लेकिन उसमें से जो है आप, हुआ ये था, इन्होंने ये शुरू किया था कि लेकिन नहीं नहीं, मैं सिर्फ रफली फिगर, जब चले 20 लाख है उसकी वैल्यू, 20 लाख है, हाँ उसको छोड़े, लेकिन मैं, मेरा ये सवाल है कि 13.5 करोड़ जो है मोबाइल फोन यूजर हैं, वो सारा टैक्स कटता है वहाँ से, दे आर टैक्स पेयर्स, बिजली के बिल वाले टैक्स पेयर्स, टेलीफोन के बिल वाले टैक्स पेयर्स, गैस के बिल वाले टैक्स पेयर्स, पानी के देने वाले टैक्स पेयर, तो दिस टोटल रन्स इन टू करोड़। तो ये जो 20 लाख की मिसनोमर है, इसको तो जरा क्लियर करें, ये तो सारे टैक्स दे रहे हैं, हर एक आदमी टैक्स दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं वो बहुत कम है, उसका नुकसान बिजली के बिलों से, मोबाइल के बिलों से, ये टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो वो होता है कि अल्लाह ताला ने आपको 1 करोड़ की इनकम दी, उसमें आप टैक्स तो ले रहे हैं, देखें ये टैक्स है, वो कहते हैं जनरल सेल, सारी सुन लेना, मैं बहुत आम स्पेशल सर, मेरी एडवांस टैक्स, वो टैक्स का नाम है। टैक्स होता है एक इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट हो ये रहा है कि जो लोग की आमदनी ज्यादा है उनका टैक्स वो नहीं दे रहे, उसका नुकसान इन जो बेचारे फ्रंटियर से, पंजाब से कराची में नौकरी करने आए हुए हैं, उनकी फैमिली वहां पर है, उन्होंने उनको आप रगड़ रहे हैं। मेरा कहना ये इनकम टैक्स नहीं है, आप ये आवाम पर टैक्स है, इनकम टैक्स इनकम के ऊपर टैक्स होता है। हमारे यहाँ जो जुल्म हो रहा है, मैं जो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जिन लोगों की आमदनी ज्यादा है उनको चोरी करने दी जा रही है और उसका नुकसान आवाम पर टैक्स लगा के पूरा किया जा रहा है। इनकम टैक्स और आवाम के टैक्स में फर्क है। इनकम टैक्स का मतलब यह है कि अगर आपकी 10 करोड़ अल्लाह ने आमदनी दी, आप उस पर टैक्स लगा दें, लेकिन जो आदमी फुटपाथ पर पड़ा है, मेरी जो आदमी फुटपाथ पर पड़ा है वो भी मोबाइल यूज करेगा तो उस पर भी टैक्स कट जाएगा। मैं इनकम टैक्स कर, और मेरा अंदाजा है कि 4,500 अरब रुपया साल हम कल वसूल कर रहे हैं, यही आपको आवाम को एजुकेट करना है, इनको पकड़ें, इसका बोझ जो है गरीबों पर जा रहा है, जो जुल्म है गरीबों के साथ। आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो 1.9 ट्रिलियन रुपीस का है, और पीटीआई जो है ये जब से आए इन्होंने 565 बिलियन रुपीस जो है ऐड किए हैं, और हर महीने सर्कुलर डेट जो है डॉक्टर साहब वो 21 बिलियन रुपीस का है, पीएसओ का भी 339 बिलियन रुपीस का पड़ा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो हुकूमत है या आने वाली हुकूमत है वो तो कर्जों के बोझ में इतना दब चुकी होगी
कि वो नोट भी छापना शुरू करेंगे तो नोट पूरे नहीं पढ़ सकते। इसको कैसे कम किया जा सकता है सर्कुलर डेट को? पहली चीज तो ये सवाल आप मुझसे ना करें, चूंकि आप खुद लिखते रहे हैं इसके ऊपर। पीएसओ का सर्कुलर डेट पर जो आपने लिखा है मुझे सब पता है, मगर जो आपने दूसरा नुकता उठाया मैं उसको जरा सा बता दूं टाइम के। देखिए जुमला में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट, इसकी करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरी है बाद में भी, वो ये है कि इस हकूमत के दौर में फरवरी 2020 तक कितने 17-18 महीने हुए ना, इसमें कर्जों में इजाफा हुआ स्टेट बैंक के मुताबिक, वो लिख लें आप, 12,900 अरब रुपया का इजाफा हुआ इस हकूमत के दौर में, 12,900 अरब रुपया नंबर एक। इससे पिछले जो 10 साल थे उसमें इजाफा हुआ था 2300 अरब रुपया साल, जिसकी तहकीकात करने की बात हो रही है। 2300 अरब पाँच साल का, 10 साल का, दोनों हकूमतों को ये तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई। अभी खतरनाक नहीं है, अब बता रहा हूँ क्या है। 10 साल का एवरेज था 2300 अरब रुपया सालाना, ये जिम्मेदारी मेरी है करेक्टनेस की, और इनके दौर में अब तक हो चुका है फरवरी तक 12,900 अरब रुपया। एक तीसरी फिगर खौफनाक है, आज़ादी मिली उसके बाद 30 जून 2011 की, आप इसकी रिपोर्ट निकालिए, 30 जून 2011 पाकिस्तान की आज़ादी को अल्हम्दुलिल्लाह 61 बरस हो चुके थे, 64 बरस में जो कर्जे आउटस्टैंड कर रहे थे 30 जून 2011 को, वो थे 12,500 अरब, और इसके दौर में जो इजाफा हुआ है वो 12,900 अरब करो। अब इस लोगों को होश नहीं है और ये कहते हैं जी पहले तबाह होगा, अरे पहले तबाह हो गए, किसने कहा नहीं हुए, मगर आप अपना तो बताएं, वो तो तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। मेरी परेशानी ये है, सर्कुलर डेट का तो ये करेंगे कि सुकूक बॉन्ड इशू कर देंगे, कर्ज ले लेंगे, तो ये फैसला हो चुका है, एक सुकूक बॉन्ड इशू करते हैं जो इस्लामी बॉन्ड है और होता है सूद के ऊपर है, उससे कर्जा लेंगे, उसके मुनाफी की शरह ज्यादा होगी, उससे ये कर देंगे, वो कर्जा फिर बढ़ जाएगा, वो फिर आपको हमारी नस्लों को देना होगा, जब तक अफगानिस्तान का मसला है, दूसरे मसले हैं, ये आपको मिलता रहेगा, ये गाड़ी चलती रहेगी, उस वक्त तक अगर आपने लोगों को तैयार नहीं किया, होश नहीं दिलाया, तो फिर खुदा नखास्ता मुश्किल आएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चूंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने खुल के बातें की हैं और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर रोशनी डाली है, और चूंकि ये माहिर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और ये अखबारात में भी लिखते रहते हैं, सेमिनार्स में भी तकरीरें करते रहते हैं, तो वैसे ये एक बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि ठीक है मुश्किल वक्त है, हालात ख़राब हैं और लोगों को ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, गुर्बत भी बहुत है, लेकिन ही इज़ वेरी होपफुल एंड ही इज़ कन्विंस्ड इन हिज माइंड दैट आफ्टर ईद थिंग्स विल इम्प्रूव, और ये जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है जिससे कि सारे पाकिस्तानी परेशान हैं, मतवसत तबका भी परेशान है, गरीब तो है ही परेशान, तो ये मतलब इनकी ये सोच है कि इंशाल्लाह ये दिन बेहतर आएंगे, और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर नहीं होंगी, उनको हम सही तरीके से नहीं चलाएंगे, और ये जो इलीट है, अशराफिया है, इनके गिर्द घेरा तंग नहीं करेंगे, इनसे हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे, तो हुकूमत का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि हम जब तक डेफिसिट बजट बनाते रहेंगे तो मुल्क के हालात जो हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते थे। कहते हैं जी हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, तकरीर जुमला तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, अब कुर्बानी जो है वो सिर्फ गरीबों से मांगी जाती है, तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो ये लोग मैंने लूट मार की हुई है, जो पैसा हमारा चोरी करके गया हुआ है, अगर इसमें से कुछ वापस आ जाता है तो अच्छा है, वरना देर इज़ डेफिनेट रिक्वायरमेंट टू अमेंड द लॉज, टू अमेंड द प्रोसीजर्स, कि जो करप्शन डॉक्यूमेंटेड हो उसके ऊपर केस न चलाएं खुदा के वास्ते, उसके ऊपर स्टेट वे चार्जशीट पकड़ाएं और अनाउंस कर दें पनिशमेंट, वो बंदा कह दे कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, कन्फिस्केट टू दी स्टेट, और जो उसको सजा देनी है कानून के अंदर दें, और ये आने वाले दिन जो हैं ज़रा मुश्किल हैं, इसलिए आवाम को भी चाहिए कि वो भी सबर का दामन जो है वो पकड़ के रखें मजबूती से, एंड दे शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एज फार एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज कंसर्न, क्योंकि जब तक टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो
कारोबार ज़िंदगी नहीं चल सकता। तो हम सिर्फ हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। क्रिटिसिज्म इज़ गुड थिंग, क्रिटिसिज्म होनी भी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या गलतियां हो रही हैं। और हुक्मरानों के लिए होता है क्रिटिसिज्म, लेकिन अगर वो अपनी सलाह नहीं करते तो उसका तो कोई हमारे पास हल नहीं है। मशवरे देने वाले तो बहुत बैठे हैं, अपना भी ख्याल रखें और पड़ोसियों का भी ख्याल रखें।